राज्य कैंसर संस्थान में, जहाँ पर अमेरिका से आए डॉक्टरों द्वारा दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में जो 45-90 स्टाफ को ट्रेनिंग दिया गया है, जिसको उन्होंने क्या सीखा, क्या नई तकनीक सीखी, उसके बारे में बताया गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं, जिन नर्सों ने इस तकनीक के बारे में सीखा है उनसे बात करते हैं। और दिल्ली जो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, मैम यदि बात करी जाए, आज आपके इंस्टीट्यूट में और अस्पताल में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, क्या वो प्रोग्राम है और क्या उससे संदेश भी जाता है? ये प्रोग्राम एक जो प्रोग्राम हमने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स चलाया था पिछले कुछ महीनों में सिस्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का और कुछ जूनियर डॉक्टर्स का, उनके सर्टिफिकेट वितरण का प्रोग्राम था, जिसमें कि जो नर्सिंग स्टाफ था उसको हम लोगों ने कैंसर सेंटर ऑफ अमेरिका से ट्रेंड स्टाफ को बुला के, और जो नई तकनीक है ऑन्कोलॉजी में, नए कैंसर में जो एडवांसेस हुए हैं, अलग अलग तरीके की मेडिसिन आई हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका अलग है, प्लस जो हमको फॉर्मेलिटीज़, फाइल वर्क, पेपर वर्क और जो हमको टेक्निकलिटीज़ जाननी चाहिए कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करने से पहले और कैंसर पेशेंट्स की देखभाल के लिए, वो उस सब चीज़ों के लिए उनको अपडेट किया गया है, ताकि वो जो जितने भी रीसेंट एडवांसेस हुए हैं उनसे अवगत रहें और उनके अनुकूल हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में, उनमें ट्रीटमेंट दे सकें। मैम कितने नर्सों को ये ट्रेनिंग दी है? हमने 45 नर्सेस को दो बैच में ट्रेनिंग दी। कितने दिनों की ट्रेनिंग की? 3-3 हफ्ते की, दो बार में ट्रेनिंग। मैम ये बताइए, जो आप कोर्सेस जो शुरू का ये कोर्स था 100 घंटे, तो इसमें क्या ऐसा यूनिक था जो मतलब वहाँ से अमेरिका से जो कोर्स कराया गया, क्या ऐसी बात थी जो? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम अपने स्टाफ को रिक्रूट करते हैं तो उस समय की जो टेक्निक्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़, एथिकल चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उसके अनुरूप हमारा स्टाफ ट्रेंड होता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ऑन्कोलॉजी एक बहुत ही डेवलपिंग ब्रांच है, यहाँ पे रोज़ नए नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आप लोग खुद देखते होंगे कि रोज़ नए नए शोध से हमको दवाएं मिल रही हैं, हर दवा का एडमिनिस्टर करने का तरीका भिन्न है, हर दवा के संग एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स अलग हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने का तरीका अलग है। तो हमारी जो स्टाफ है वो उस समय जब हमने इनको रिक्रूट किया तब तो वो बिल्कुल इन सिंक थी जो भी उस समय प्रैक्टिस थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कहीं पीछे छूट ना जाए, तो उसको हमको कमी को पूरा करने के लिए ये ट्रेनिंग ली गई। और इसमें जो एकदम एट पार जो रीसेंट एडवांसेस से जो ट्रेन स्टाफ है, जो कि CCA जिसको हम कहते हैं, कैंसर सेंटर्स ऑफ अमेरिका का स्टाफ है, तो उनको हमने बुलाया रोश के थ्रू, रोश फार्मास्यूटिकल के थ्रू। ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाने में मेरा बहुत हाथ था, उसका प्रोग्राम मैंने डिजाइन, जिसके बारे में ब्रीफ बताइए क्या ट्रेनिंग थी? ये हमारी ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के ऊपर ट्रेनिंग थी। मैं यहाँ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मेरा नाम रेखा गर्ग है, मैं यहाँ 15 ईयर्स से हूँ। ठीक है, हमारी जो ऑन्कोलॉजी नर्सिंग की ट्रेनिंग हुई, हाँ हम लोग यहाँ पर बेसिक जो करते हैं, काफ़ी हमारा जो स्टाफ है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हाँ अपडेटेड नहीं थे कुछ नई एडवांस टेक्नोलॉजी से। ठीक है, जो ये क्लासेस हुई हैं हमारी, उससे ये हुआ है कि हमें काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, नई चीज़ें पता चली हैं। ठीक है, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, हमें हमारे हॉस्पिटल से काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है इसके लिए, तो कोशिश करते हैं हम फ्यूचर में कि हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और पेशेंट्स के बेनिफिट में हम वो चीज़ें यूज़ करें। माय नेम इज़ सिनेमोल बेबी, 2009 आई एम वर्किंग हियर, इट्स ऑलमोस्ट 13 ईयर्स। सो वी हार्ड गॉन थ्रू दिस ट्रेनिंग फॉर 3 वीक्स विद रोश, एंड दे ऑर्गेनाइज ऑल दीज प्रोग्राम्स एंड वी गॉट ए गुड ट्रेनिंग। एक्चुअली वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन एन ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल, सो वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स डे टू डे वर्क्स। नाउ वी गॉट मोर नॉलेज, सम एडवांस्ड टेक्निक्स, सो वी वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। Like they said, some of the forms, quality indicators forms, and we are handling the cytotoxic drugs. This is an oncology hospital, so we are handling cytotoxic drugs. Some of the drugs we are preparing, some knowledge, some basic knowledge we have, but we are not following all the precautions and safety measures we have to follow. So we would like to implement all these learnings we got from this training session. That was the main thing.
because this is a special hospital. Oncology means cytotoxic drugs we are using. So some of the measures we are not following. So particularly that is for the safety, especially for the safety measures of the staff who are handling these things. And other, there is some, it's related to the quality, improving of the patient care. अमेरिका इंस्टीट्यूट कैंसर वहाँ से ट्रेनिंग दी गई आपको और भारत में जो टेक्निक है कितना डिफरेंस लगा आपको? नॉट सो मच डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम, बट वी हैव टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द, मतलब आई थिंक सम ऑफ द हॉस्पिटल्स आर फॉलोइंग द सेम थिंग्स, बट हियर वी आर फॉलोइंग 50% ऑफ फॉलोइंग. आफ्टर दिस ट्रेनिंग वी वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स वट एवर पॉसिबल. Thank you.